गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पिछले जो हमारे लेक्चर में आपको हम डाइकैरियोटाइजेशन ऑफ माइसीलियम कंप्लीट करा चुके थे, आज का जो मेरा अष्टलैबो में जो लेक्चर रहेगा वो जो है आपका क्लैम कनेक्शन और सेल डिवीजन इन बेसिडियो माइकोटेना। तो देखिए जरा इस लेक्चर की ओर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अष्टलैबो में जो है आपका अष्टलैबो और स्मट फंजाई, और आज का जो मेरा वो रहेगा लेक्चर वो है आपका क्लैम्प कनेक्शन और सेल डिवीजन इन बेसिडियो माइकोटेना। अब देखिए जरा बच्चों, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि बेसिडियो माइकोटेना का एक मेंबर सर बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं, रस्ट फंजाई, ठीक है, उसका मेंबर था आपका पक्सिनिया ग्रैमिनस। अगर ये बेसिडियो माइकोटेना में सेल डिवीजन की जो मेथड है तो वही करा देते, तो यहाँ कम से कम कराने से पहले एक आउटलाइन होता स्टूडेंट के सामने जो वहां जब इतना डिटेल में करा गए। लेकिन अगर ये चीज अगर आपके दिमाग में अगर आई होती तो इसकी परिभाषा आपको बिल्कुल मुझे बताने की जरूरत ही नहीं थी, आप खुद ही क्रैक कर लेते, ठीक है बच्चों। है क्या कि बेसिडियो माइकोटेना में रस्ट भी है और क्या है आपके स्मट भी है। प्रेजेंट में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्मट फंजाई, यानी कि जो है आपका ये जो सेल डिवीजन है वो जो है आपके इसमें क्या नाम जो क्लैम्प कनेक्शन के द्वारा है वो जो है आपका स्मट रस्ट फंजाई में नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। देखिए जरा कि बेसिडियो माइकोटेना के मेंबर में, किसमें आपके बेसिडियो माइकोटेना के मेंबर में, ठीक है, बेसिडियो माइकोटेना ग्रुप के मेंबर में, और किसको छोड़ना है आपको, रस्ट को छोड़कर, काय को छोड़कर आपके रस्ट को छोड़कर, ये मोटा मोटा लिखना पड़ेगा परिभाषा, ठीक है, रस्ट को छोड़कर। अब चूंकि बच्चों आप लोग जानते हैं कि इसमें माइसिलियम कितने प्रकार का होता है, पहले होता है आपका प्राइमरी माइसिलियम एंड देन सेकेंडरी माइसिलियम। तो सेकेंडरी माइसिलियम की सेल, काय की सेल आपके सेकेंडरी माइसिलियम की सेल, सेकेंडरी माइसीलियम की सेल क्या करती हैं आपके लेटरल स्ट्रक्चर के द्वारा, क्या होती हैं आपके लेटरल स्ट्रक्चर के द्वारा डिवाइड होती हैं और इसे हम जो है क्या कहते हैं आपका क्लैम्प कनेक्शन, ठीक है। हमारे ख्याल से परिभाषा डेफिनेशन में हमने पूरी कोशिश की है कि आप लोग बहुत इजीली बहुत सूक्ष्म शब्दों में तैयार कर लें, ठीक है। तो एक बार हम इसको रिविजन करा देते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है क्लैम्प कनेक्शन और सेल डिवीजन इन बेसिडियो माइकोटेना। बच्चों एक चीज और बता दें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये जो है आपके केवल कानपुर यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं उनमें ये जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा या जो अन्य एग्जाम है उनमें ये आने की प्रबल संभावना है, और इस नाम से ज्यादा फेमस है, ये करके कम आता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते चूंकि इसका ये है तो इसको भी हम आपको बतला दिए, लेकिन ये ज्यादा प्रायोरिटी ये रहती राइट इज शॉर्ट नोट ऑन क्लैम्प कनेक्शन या किनारे से लिख दिया क्लैम्प कनेक्शन, ठीक है। तो क्या है डेफिनेशन हमारी क्या बनी, बेसिडियो माइकोटेना समूह के सदस्यों में और ब्रैकेट में इसको लिखना है रस्ट को छोड़कर, ठीक है, और सेकेंडरी माइसीलियम की सेल लेटरल स्ट्रक्चर के द्वारा डिवाइड होती है, इसे हम क्लैम्प कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अब क्या होता है कि सेकेंडरी माइसीलियम की सेल क्या है लेटरल स्ट्रक्चर के द्वारा जो है डिवाइड होती है, और इसमें केवल इसकी एक और कंडीशन है कि इसमें केवल इंटरनल सेल ही डिवाइड होती है। कौन सी आपकी इंटरनल सेल, ओनली जो है डिवीजन जो होता है वो किस सेल में आपके इंटरनल सेल में क्या होता है आपका डिवीजन होता है। अब बच्चों होता क्या है कि जरा इसको हम अगर इतना लिखेंगे केवल केवल
तो हमको मार्क्स अगर 3 नंबर का सवाल हुआ तो ज्यादा ज्यादा एक या आधा दे के वो अपनी फुर्सत करेगा। अब इसके क्या देने पड़ेंगे आपको फिगर, बॉटली में मैं पहले ही आपसे कह चुका हूं, जहां तक पॉसिबिलिटी हो जो बच्चे फिगर के साथ क्वेश्चन करते हैं वो अच्छा मार्क्स पाते हैं, जो फिगर नहीं बनाते फिगर में कंजूसी करते कितना भी अच्छा मैटर दें वो केवल अपना एवेल्युएशन वो पहले 60% में ही लड़ते हैं, 100% में नहीं लड़ते हैं, उसमें 50-45 अंक मिलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपको क्या करना है, थोड़ा अपने क्वेश्चन को बिना याद किए इस क्वेश्चन को क्रैक करना और पूरे 3 में 2.5 का अपना निकालेंगे। ठीक है, देखिए जरा अब बच्चों आपको क्या करने हैं कि जैसे हमने एक ही सेल बनाई, ठीक है, आप जानते हैं कि बेसिडियोमाइसिटिस के सदस्यों में या बेसिडियोमाइकोटिना में क्या होता है कि इसमें जो है आपके सेक्स ऑर्गन का अभाव होता है, बेसिडियो स्पोर के स्ट्रेन के अनुसार प्लस और माइनस स्ट्रेन के जो वो है क्या नाम आपके प्लस और माइनस स्ट्रेन के वो जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में क्या करते हैं आपके काम करते हैं। जैसा सपोज ये सेल है, ठीक है, इसमें होता क्या है कि इंटरनल सेल यहाँ लेती है, ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे सपोज एक ये सेल, ठीक है, तो इसमें एक ये न्यूक्लियस हो गया और दूसरा हो गया आपका ये, इसको हम मान लेते हैं प्लस स्ट्रेन का और ये हो गया आपका माइनस स्ट्रेन का। अब इसमें इसका डिवीजन होना है क्लैंप कनेक्शन में, तो सबसे पहले हमने क्या आपको बताया एक दूसरा फिगर दे दिया कि न तो ऊपर से डिवीजन होगा ना नीचे से, काहे के द्वारा होगा आपके लेटरल सेल के द्वारा होगा, लेटरल बार के द्वारा होता है, तो दूसरे हमारी फिगर की सिचुएशन ये आती है। और इसमें क्या होता है कि इस तरीके से जो है आपके जैसे आपका लेटरल में क्या होता है एक आउटग्रोथ डेवलप हो रहा है, ठीक है, जिसको एक हिंदी वाले लिख रहे हैं कि चस्काकार आउटग्रोथ होता है, जीप के आकार का निकल रहा है। और इस तरीके से एक तो इसमें पाए जाने वाला न्यूक्लियस ये हो गया और ये हो गया। अब जो क्या होता है कि इसमें जो न्यूक्लियस जाएगा वो कहाँ जाएगा आपके बेस की ओर, नीचे की ओर इसको आना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जो हमारा जो तीसरा फिगर आएगा वो इसमें इस तरीके से जो है आप देखेंगे कि ये जो सेल बनी है ये जो तीसरे नंबर पर जो क्लेम सेल है, तो इसमें क्या हुआ कि एक तो हो गया आपका प्लस का और एक हो गया आपका माइनस का, ठीक है, तो इस तरीके से ये। अब क्या होगा कि जैसे जो विभाजित होने वाली सेल है उसमें इस तरीके से एक न्यूक्लियस जो है इधर ट्रांसफर होगा, ठीक है, और ट्रांसफर के बाद इधर आ जाएगा, ठीक है, और फिर एक जो है इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो कहने का मतलब लास्ट स्टेज में जब जो चौथा फिगर हमारा जाएगा इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सेप्टा फॉर्मेशन, क्या हो जाएगा आपका सेप्टा फॉर्मेशन, और ये सेल जो है क्या होगी आपकी पेरिनेटल सेल से अलग हो जाएगी, एक इसमें एक प्लस का होगा और एक होगा आपका माइनस का, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग जो है क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका रहा कि क्लैंप कनेक्शन और सेल डिवीजन इन बेसिडियोमाइकोटिना, ABCD हम नाम डाल सकते हैं, और इसका जो फाइनल फिगर है वो हम आपको जब ये पूरा पढ़ा देंगे इसके बाद लास्ट में हम बुक का लेके आपको डाल देंगे। सबसे पहले क्या होता है कि अगर हमारा इंप्रेशन इस क्वेश्चन में अच्छा जाता है तो हम इजिली अच्छे नंबर पा लेते हैं। देखिए जरा इसको रिविजन देते हैं, अस्टिलेबो और सॉरी क्लैंप कनेक्शन और सेल डिवीजन इन बेसिडियोमाइकोटिना, ठीक है। बेसिडियोमाइकोटिना समूह के सदस्यों में इसको छोड़कर रस्ट को छोड़कर सेकेंडरी माइसीलियम की सेल लेटरल स्ट्रक्चर के द्वारा डिवाइड होती है जिसे हम जो है क्लैंप कनेक्शन कहते हैं। इसके बाद इनवर्टेड कॉमा क्लोज, और इसके बाद आप क्या कहेंगे कि इस ग्रुप में हाइफी की ओनली कौन सी सेल आपके इंटरनल सेल क्या होती है आपके डिवाइड होती, ठीक है, और ये जो है ये कहां पे क्या करती है आपके बेस की ओर ग्रोथ करती है और जिन्हें हम क्लैंप और क्लैंप कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हम एक हेडिंग डाल देंगे समरी, ठीक है। सपोज ये आपकी क्या हो गई आपकी सेल और इसमें प्लस और माइनस स्ट्रेन के क्या है आपके न्यूक्लियस, ठीक है, हम इसी तरीके से लिखते जाएंगे एक प्लस का और एक बेसिडियोस्पोर के स्ट्रेन के अनुसार इसमें एक सेल में डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस एक प्लस का और एक क्या है आपका माइनस का, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि लेटरल ये इस तरीके से क्या है ना ऊपर है ना नीचे, क्या है आपका लेटरल में क्या होती एक जो है आपके आउटग्रोथ डेवलप हो रही है और ये आउटग्रोथ क्या करेगी लेटरल से ग्रोथ हो रही और धीरे धीरे जो है कहां तक जाएगी आपकी बेस की ओर और लास्ट स्टेज में इसमें क्या हो जाएगा आपका सेप्टा फॉर्मेशन हो जाएगा
और इसमें भी पेरेंटल सेल के समान डॉटर सेल में जो पाए जाने वाला न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, आपका डाइकैरियोट है। इतनी समरी लिखिए, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालने के बाद हम लोग डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, इसके बाद फिगर बनाएंगे, इसके बाद समरी इतना लिख देंगे, ठीक है। तो आज का मेरा जो लेक्चर था केवल क्लैंप कनेक्शन पर और सेल डिवीजन और रेसिड्यू मास्टिस पर। बच्चों आगे जो कल जो मेरा लेक्चर आएगा वो आएगा लाइफ साइकिल और रिप्रोडक्शन इन अस्टलेगो, और आपसे आप लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया है काफी जो है, और इसको देखते रहिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल।